मथुरा का पुलिस प्रशासन लगातार गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते मथुरा में 24 घंटे में दूसरी बार पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ में थाना रिफाइनरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी मुठभेड़ थाना हाईवे क्षेत्र मुकुंदपुर के पास जंगल में हुई। पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश चंद्रकांता को गिरफ्तार किया गया है और बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कल रात में थाना क्षेत्र रिफाइनरी में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था। उसके पीछे हमारी सर्विलांस एसओजी स्वाट और हाईवे रिफाइनरी की पुलिस लगी हुई थी, लगातार उसका पीछा कर रही थी। आज अभी कुछ समय पहले उसको जय गुरुदेव के पीछे मुकुंदपुर रोड पे जंगलों में उसको घेरा गया। जब पुलिस ने उसको ललकारा तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान चंद्रकांत और कांता की